कांग्रेचुलेशंस रोहित जी, थैंक यू आपने वेरी इंडिया फैशन वीक का कोई ट्रॉफी भी ले लिया है, उसका जरा बताइए। जी, मैं अभी हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट किया हूँ और मेरे को ये वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल में मैंने ये अवार्ड जीता है और अपने भारत का नाम बहुत रोशन किया है। एंड बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज था जब उन्होंने मेरा नाम अनाउंस किया, तो डेफिनेटली क्या कहते हैं, एक नई ट्रॉफी इंटरनेशनल हमारे कंट्री में आई है। मैं शुक्रगुजार हूँ उन लोगों का जिन्होंने मेरे को वोट किया, जिन्होंने मेरे को इसके लायक समझा। आई रियली थैंक देम वेरी मच। अवार्ड की क्या अहमियत है आपके लाइफ में? सी, अवार्ड्स तो एक पुरस्कार हम लोग को दे देते हैं कि हमारी चीज़ों को, जो अगर हम लोग को कुछ अपना क्रिएटिविटी दिखाएं उसके लिए एक अगर इस तरह का हमारा नाम हो जाता है, अवार्ड मिल जाता है, तो ऑब्वियसली लोग चाहते हैं कि आज आपने एक मुकाम हासिल कर लिया है हमारे कंट्री में। बट मेरे को बचपन से बहुत अवार्ड्स मिले हैं और मैं हमेशा ही जीतता आया हूँ। एंड तो ऑब्वियसली मेरे लिए अवार्ड्स का मायना बहुत है, क्योंकि बहुत स्ट्रगल करके एक डिज़ाइनर अपना एक मुकाम हासिल करता है पूरे कंट्री में और अपना कंट्री का नाम रोशन करता है। तो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू रिस्पेक्ट, और जब उसका रिकग्निशन होता है, उसकी मेहनत को लोग अप्रिशिएट करते हैं, उससे अच्छा खुशी एक डिज़ाइनर के लिए नहीं होती है। जैसे कि आपने कहा कि फर्स्ट ट्रॉफी इंडिया की इंटरनेशनल के लिए फैशन के तौर पे, तो किस तरह की फीलिंग्स थी जब आपका नाम अनाउंसमेंट हुआ था? मैं तो एकदम आई वॉज हैविंग अ ग्लास ऑफ वाइन, तो मैं तो लग ही नहीं रहा था कि मेरा नाम अनाउंस होएगा, पर जब हुआ तो बहुत ही ज़्यादा मेरे को आश्चर्य हुआ, बिकॉज बहुत सारे इंटरनेशनल डिज़ाइनर्स का नाम था मेरे साथ और उन्होंने पहले से डिसाइड कर लिया था, इसलिए उन्होंने मेरा नाम यहाँ पे इनक्राफ्ट कर दिया था। इन ये जो हैं डिज़ाइनर क्रिश्चियनी लखवा, इनके नाम पे मेरे को अवार्ड दिया इन लोगों ने एंड वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल में। तो डेफिनेटली इट वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल मोमेंट। एंड यू नो, फैशन डिज़ाइनिंग फॉर मी इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था तो इतना डिज़ाइनर्स को नहीं मानते थे, हमको टेलर बोलते थे, पर इस अवार्ड ने बहुत से लोगों के मुंह पे झापड़ मारा है, जिन्होंने मेरे को हमेशा पुट डाउन किया, जिन्होंने हमेशा मेरे को नहीं समझा कि मैं ज़िंदगी में कुछ कर पाऊँगा। तो आई थिंक दिस इज़ द आंसर फॉर एवरीबॉडी। फेम की बात कर रहे हैं, फेम कमाने के लिए कुछ लोग यूट्यूब पे आ रहे हैं, सर क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? आप यूट्यूब कैंपेन में कितना सपोर्ट कर रहे हैं आप? देखिए, मेरे साथ कुछ अभी एक घटना हो गई थी। एक इंसान है मिस्टर साहिल चौधरी, जिनसे मैं कई बार मिल चुका हूँ, उन्होंने मेरे खिलाफ़ बोला कि मैंने उनको सेक्चुअल मॉलिस्ट किया। उन्होंने अपनी स्टेटमेंट को फिर से कॉन्ट्रडिक्ट किया है। जैसे कि मैं कहता हूँ कि मैंने हमेशा मीडिया के सामने अपनी सेक्चुअलिटी को बहुत ब्यूटीफुली तरह रखा है, मैंने कभी किसी से झूठ नहीं बोला, मैंने अपने आप से, समाज से कभी झूठ नहीं बोला। मैं इंडस्ट्री में आया था तब भी मैं ऐसा था और मैंने बहुत वोकली उस चीज़ को आवाज़ उठाया, पर इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम कैरेक्टरलेस हैं, यू नो, हम किसी के साथ भी चले जाएंगे। आज ये मैं मीटू मूवमेंट के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं उन लोगों के खिलाफ हूँ जो इसका गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, यू नो, वी आई एम वेरी अगेंस्ट ऑफ देम। मैं इसलिए आवाज़ उठा रहा हूँ और मैंने YouTube मूवमेंट स्टार्ट किया है। यू नो, आई हैव गॉट अ वेरी डिफरेंट शेड ऑफ लाइफ, यू नो, बट दैट डजेंट मीन कि एनी बडी कैन डिस्ट्रॉय दैट कलर ऑफ लाइफ ऑफ माइंड। यू नो, मैंने ज़िंदगी को हमेशा डिग्निफाइड तरह से और सच्चाई के साथ मैंने लीड किया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं सत्ता सवित्रा हूँ, क्या मेरे रिलेशनशिप नहीं रहे हैं, कि मैं गंगा से नहाया हूँ। आज हम गंगा से कोई भी नहीं नहाया हुआ है, सब क्या कहते हैं, सबके पीछे एक ब्लैक ट्रुथ है। अगर मैं किसी के साथ कुछ करता हूँ तो मेरे आई हैव गॉट इन स्ट्रेंथ इनफ कि मैं मीडिया के सामने बोल सकूँ कि ये मैंने किया है, पर जो चीज़ मैंने नहीं करी है उसके लिए मैं ज़रूर आवाज़ उठाऊँगा, उसके लिए मैं ज़रूर अपने लोगों को, अपने फैंस को, अपनी सारी जनता को मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा। मैं इनसे ज़रूर मिला था, ये मेरे से आज से 3 साल पहले मेरे से मिले थे ये, और इनसे मेरी मुलाकात बहुत ब्यूटीफुल हुई थी। देखिए क्या होता है कि मैं 11 बजे से लेकर 8 बजे तक यहाँ पर स्टोर पर रहता हूँ, 8 बजे के बाद मैं घर जाता हूँ, ओके। तो इन ये मेरे से मिलने आए थे, हालांकि मैंने इनसे पूछा था आप मेरे से घर में मिलेंगे कि ऑफिस मिलेंगे, इन्होंने खुद ही कहा कि, हमने कहा चलिए आप लोखंडवाला में रहते हैं तो आप घर आ जाइएगा। इनसे मेरी मुलाकात हुई थी, पर ये बहुत अच्छे लगे थे मेरे को जब मैं इनसे मिला था, तो इनको हमारी बहुत ब्रीफ मुलाकात हुई थी। उसके बाद कुछ सालों के बाद मेरा इनसे रिलेशनशिप ख़त्म हो गया,
उसके बाद मेरा जो था एक, मैं फोन कॉल लगाऊंगा, मैंने उनको एक शो के लिए भी रिकमेंड किया था, वो नवाज डिजाइनर का शो था दिल्ली में, उनको मैंने रिकमेंड किया था आप उनसे फोन पे बात कर सकते हैं, हमने कहा ये लड़का साहिल चौधरी है तो इसको अपने शो में यूज कर लो, तो उन्होंने उसको कहा डेफिनेटली अपने शो में भी यूज किया था, मैंने रिकमेंड किया था इनको, हालांकि ये मेरे को नवाज के शो में भी मिले थे, बहुत अच्छे से इन्होंने मुझसे बात किया, हर चीज किया। उसके बाद मेरा इनसे कुछ लेना देना था, 6-7 महीने बीत चुके थे उस बात को, इनफैक्ट उस दौरान ये भूल रहे हैं कि ये मेरी इन्हीं बहन के साथ जो मेरे साथ बैठी है उनके साथ मेरे को कार में मैग्नम आइसक्रीम, क्योंकि मैग्नम रिलीज हुई थी, मैं लंदन से आया था तो आइसक्रीम कहाँ लेके गए थे मेरे को, मेरी बहन बैठी हुई है, हम लोग लोकल वाला बैक रोड में थे, आइसक्रीम कहाँ लेके थे। उसके बाद मेरा इनसे 6-7 महीने कुछ नहीं, मेरा फ़ोन नंबर चेंज, लाइक फ़ोन फॉर्मेट हो गया, मेरा नंबर खो गए। अचानक से मेरे को एक दिन इनका एक मैसेज आता है जो मैंने पूरा सोशल मीडिया पे पोस्ट किया है, इन्होंने कहा कि कहाँ हो तुम, डायरेक्ट इन्होंने पूछा, तो मैंने इनसे पूछा हु इज दैट यू नो, तो इन्होंने कहा अरे मेरे को भूल गया, मैं साहिल चौधरी। वो पूरा कॉन्वर्सेशन ओके इनका मैंने पूरा, जब तक कि मेरा कॉन्वर्सेशन है वो मैंने पूरा अपना इंस्टा स्टोरीज में, हर जगह इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, सब में डाला है। उस पूरे चैट में इन्होंने मेरे को बेबी, मुआ, पप्पी, मेरे साथ पिक्चर देखने चलो, यू नो हम लोग कभी सिनेमा देखने जाएंगे, इनसे मेरा बहुत फ्रेंडली चैट हुआ है। जिस इंसान के ऊपर वो एक्यूजन लगा रहे कि मैंने उनको पहली मीटिंग में उनके प्राइवेट पार्ट्स को हाथ लगाया, फिर आप उस इंसान से इस तरह की बातें कैसे कर सकते हैं? ओके, नंबर वन, आप उस इंसान से डिस्टेंस कर लेंगे, यू नो आप ये सब बातें नहीं करेंगे उनसे, आप पूरी चैट दे सकते हैं, मेरे लिए मेरी सच्चाई सब कुछ है, इससे मैं आज इसके लिए आवाज़ उठा रहा हूँ, क्योंकि ये मीटू मोमेंट का कोई भी इंसान कोई भी फायदा उठा सकता है, और आज निकल निकल के लोग आके बकवास कर रहे हैं लोगों के बारे में, हर इंसान के साथ कुछ ना कुछ घटना घटित होती है। पूरे हिंदुस्तान को पता है कि मैं, मेरी सेक्चुअलिटी क्या है, मैं बिग बॉस में था, मैं एज अ गे कंटेस्टेंट ही घुसा था, मेरे को अपनी सेक्चुअलिटी को बोलने का को छुपाने का कोई भी मत नहीं है। आप अगर मेरे घर की घंटी बजा रहे हैं तो आपके दिमाग में पता है कि मेरी सेक्चुअलिटी क्या है, तो पहले आप मेरे घर की घंटी क्यों बजा रहे हैं? ओके, आप मुझसे आड़े मिलने क्यों आ रहे हैं? चलिए आप आए, आपने खाना खाया, मैंने आपको ऑफर किया कि आप वाइन पियोगे कि क्या पियोगे, आपने कहा मैं बियर पीऊंगा। ओके, आपको उस लड़की की सेक्चुअलिटी पता है, आप बियर भी ऑर्डर कर रहे हैं, एक बार नहीं, वो मेरे से कम 4 बार मेरे घर पे, और उन्होंने मेरे को एक्यूजेशन ये लगाया। उसके बाद जब ये मेरे को मिले थे, उसके बाद मेरा 7-8 महीने का बहुत गैप हो गया था, उसके बाद ये मेरे को मिले तो इन्होंने कहा कि मेरे को बिग बॉस में घुसना है, तो मैंने कहा बिग बॉस की सारी टीम बदल चुकी है, अब नहीं हो सकता। वो पूरा कॉन्वर्सेशन चैट में, वो मुझसे मिलने आए, बैठे, बहुत अच्छे से बात हुई, खाना खाया, बियर पिया, उसके बाद कहते हैं कि हमने कहा बिग बॉस का तो मैं नहीं कर सकता, फिर ये ना एक हेयर में पैच यूज़ करते हैं, उस पैच के बारे में भी इन्होंने मेरे को बताया कि ये वाटर रिसेंशन पैच है, सब कुछ जो उन्होंने बोला कि ये बर्कोवेट में होता है उसका रेट बताया, इतना फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन था। आज उस बात को 1 साल के बाद आप मीडिया में उठ के बोल रहे हैं कि मैं रोहित वर्मा के घर गया और उन्होंने मेरे प्राइवेट पार्ट्स को टच किया। आप एक हट्टे कट्टे मर्द हैं, ओके, आप चाहते तो मेरे को झापड़ मार देते ना, फिर आप, अगर मैंने आपके साथ पहली बार बदतमीजी करी तो आप बार बार मेरे घर में क्यों आ रहे थे? आपने मुझसे रिलेशनशिप्स क्यों रखे? यू नो आप मुझसे बेबी, मुआ, पुआ, खाना खा लो, ये एक मॉडल्स का फॉर्मेट है हम लोगों के लिए। सुबह उठते बेबी हाउ आर यू माई बच्चा, व्हाट आर यू डूइंग, खाना खाया तुमने, क्या कर रहे हो, ये खुद ही इन्वाइट करते हैं। ओके, बट द थिंग इज दिस दैट आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन, आई एम नॉट कैरेक्टरलेस दैट आई विल स्लीप विद एवरी टॉम, डिक एंड हैरी, यू नो ही इज नॉट ऑल्सो नॉट माई चॉइस ऑफ अ गाय। ओके, नंबर वन, नंबर टू, द थिंग इज दिस दैट टुडे ही इज पुटिंग एन एक्यूजेशन। मैंने जब जूम टीवी पर यह पूरा आया था, मैंने जूम को इनकी सारी चैट्स भेजी भी थी। ओके, जो जूम टीवी को पता था, पर यू नो उन्होंने बोला कि रोहित का अपना एक अलग वर्जन था कहने का उस चीज़ का, बट इतना मेरे को लाइक किसी ने मेरे को दे सपोर्टेड, दे शोड माई स्टोरी, पर मेरे को डिटेल में नहीं बताया, बिकॉज आई वॉज सिटिंग इन अमेरिका, आई वॉज इन अमेरिका। ओके, आई कम फ्रॉम अ फैमिली, हम लोग के घर पे भी क्या कहते हैं कि मदर्स हैं, किड्स हैं, आज हम इंटरनेट हैं, हम लोग पब्लिक फिगर हैं, हमारे फैंस हैं, सब इस चीज़ को देखते हैं,
जिस तरह से ये तो एकदम नंगे हो चुके हैं, इनको तो कोई शर्म नहीं है, इनका बच्चा बड़ा होके क्या देखेगा ये सब कि मेरे पापा के साथ ये सब हुआ, ये सब खुल खुल के ये सब बातें कर रहे हैं। पर हम लोगों को अपनी अभी भी इज्जत है थोड़ी, हर इंसान की इज्जत अपने हाथ में होती है। मैं जाके मार्केट में ये नहीं कह सकता, आज एक वेश्या भी एक अगर कोई काम करती है वो छुप के करती है, खुल्लम खुल्ला नहीं करती है। ये जिस तरह से आज उठ के किसी के ऊपर भी कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठा रहे, तो मैं उसके लिए उनको ये एक लीगल नोटिस मैंने भेजा है उनको, मैं इसके लिए मैं इसको फाइट करूंगा टिल एंड, बिकॉज लोगों को पता चलना चाहिए कि अगर, क्योंकि मैं कोई कमजोर नहीं हूँ, मैं कोई 16th century का नहीं हूँ कि आपने मेरे को झापड़ मारा और मैं चुपचाप घर पे बैठ जाऊँ। मेरे को इसके लिए आवाज़ उठानी है, इसलिए मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। और मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि सच का साथ दीजिए, झूठ का साथ नहीं दीजिए। मैं अभी भी कह रहा हूँ यहाँ पे कोई भी दूध का धुला नहीं है, पर सच्चाई लोगों के सामने आनी चाहिए। आप किसी के भी कैरेक्टर के ऊपर आप ऐसे उंगली नहीं उठा सकते हैं, चाहे कुछ जाए। थोड़ा राशिद भैया भी इस बात बात करना चाहेंगे अबाउट द लीगल मैटर्स, कैसे होता है, किस तरह से हमने इनके ऊपर डिफेमेशन सूट डाला है। एक्चुअली जब भी रोहित जी का मुझे कॉल आया, ही वॉज इन USA, ही कॉल्ड मी कि उन्होंने बोला कि सर ऐसा ऐसा बात हुआ है यहाँ पे, एंड इनका सबसे पहले यही बात था कि दैट आई एम नॉट अगेंस्ट द मी टू मूवमेंट, हम उसको सपोर्ट करते हैं। जहाँ पे भी किसी भी औरत के साथ या किसी के साथ भी कोई भी ज्यादती हो, हम उस चीज़ को सपोर्ट करते हैं। लेकिन आज मेरे साथ एक ऐसा झूठ घटना जो घट रही है, जो एक प्लान्ड वे में मेरे साथ जो हो रहा है, मैं उसके साथ अपनी आवाज़ बुलंद करना चाहता हूँ। देन ही वॉज ऑन कॉन कॉल्स विद मी, और ये इतने डरे हुए थे इस चीज़ से नहीं कि क्या होगा, अपनी इज्जत के लिए। देन ही केम फ्रॉम USA, तो कल हम लोग बैठे, हमने पूरा इनका बात सुना, एंड फाइनली हम लोगों ने आज एक लीगल नोटिस इशू किया है, हमने उनको डिफेमेशन के लिए भेजा हुआ है, एंड वेरी सून वी आर गोइंग टू फाइल द डिफेमेशन केस इन द कोर्ट ऑफ लॉ, एंड हम उनसे कंपनसेशन भी डिमांड करेंगे। और जो देखिए फ्रेंड्स, तो सब लोग देखिए मेरे कैरेक्टर को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि मैं क्या चीज़ हूँ। ओके, मैंने कभी ना समाज से झूठ बोला है ना मैंने, बिकॉज मेरा थॉट प्रोसेस बहुत डिफरेंट है लाइफ का। बिकॉज मैं सोचता हूँ हर इंसान को अब जिंदगी उसके हिसाब से जीने का हक है, कोई किसी का किचन नहीं चला रहा है, ये मेरा मोटो रहा है लाइफ का। आप अपना चौका खुद चला रहे हो। ओके, मैंने कोई झूठ नहीं बोला किसी से। ओके, मैंने अपनी फैमिली से कभी झूठ नहीं बोला। अगर मैं किसी के साथ मेरे संबंध रहे हैं तो मैंने उसको खुल के बोला है, हर चीज़ क्लोज डोर में रही है। ओके, हर इंसान की अपनी एक नीड्स होती है, एक अपनी विशेषता होती है, एक अपना कैरेक्टर होता है, पर हर इंसान का अपना एक ज़मीर भी होता है, तो आई डोंट थिंक सो इट्स वेरी राइट टू आप किसी के सेंटीमेंट्स को हर्ट करें। माई फैमिली इज ऑलवेज बीन सपोर्टिव टू मी, अनुपमा इज माई सिस्टर, शी इज सपोर्टिंग मी, माई मदर नोज वॉट आई एम, आई डोंट हैव टू प्रूव एनीबडी, एंड मेरे फ्रेंड्स जो मेरे को अच्छी तरह जानते हैं वो सब मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने जब इनकी पूरी स्टोरी सोशल मीडिया में डाली तो मेरे को पूरा भारत मेरे लिए आज खड़ा हो गया। आप मेरे फेसबुक में जाइए, सब कह रहे हैं कि झूठ बोल रहा है, क्योंकि अगर मैंने इनको साथ गलत किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने आवाज़ उस टाइम क्यों नहीं उठाई, और प्लस अब ये क्यों निकल के इसकी इतनी पब्लिसिटी ले रहे हैं। ये एक तरफ ये अपनी स्टेटमेंट को खुद कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, एक तरफ ये कह रहे हैं कि रोहित वर्मा एक जाना माना डिजाइनर था, बड़े शोज करता था, मैं सोचो मैं उसके साथ एसोसिएट होऊंगा तो मेरे को मेरा अच्छा होगा। इन्होंने आज एक यूट्यूब कल में एक डाला कि मैं मेरे को ऐसी चीप पब्लिसिटी का चीप डिजाइनर के साथ जरूरत नहीं है। तो फिर आप ऐसे देखिए, मैं दूसरों की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे अपने लिए बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट टेकिंग अदर डिजाइनर्स क्या बोलेंगे, ना मेरे को किसी का सपोर्ट चाहिए, मैं अकेले ही काफी हूँ। मैं एज माय सेक्सुअलिटी मैं कॉन्फिडेंटली खुल के ऑनेस्टली लोगों के सामने इसके लिए बात कर रहा हूँ। इसके लिए भी बहुत बड़ा दम चाहिए, क्योंकि मैं दोहरी जिंदगी नहीं हूँ कि सुबह पैंट शर्ट पहन के जाऊँ, रात में लड़कों के पैंट में हाथ डालूँ। पूरी दुनिया जानती है मेरी सेक्सुअलिटी क्या है, पूरी दुनिया जानती है। तो कोई भी मेरे दरवाजे की घंटी बजाता है वो बताता है किसकी दरवाजे की घंटी बजा रहा है वो। मैं वो नहीं हूँ कि लड़कों को घर पे बुलाऊं, उनको दारू पिलाऊं, उनके पैंट में हाथ डालूं। इट्स दैट इज नॉट माय नेचर, दिस इज नॉट माय कैरेक्टर। ओके, एंड वॉट एवर द एक्यूजिशन ही हैज पुट, जो इन्होंने पूरा मी टू मोमेंट का इन्होंने मजाक बनाया है, मैं उसके अगेंस्ट हूँ। ओके, हमारे इंडस्ट्री में बहुत से लोगों के साथ गलत हुआ है, मैंने बहुत से लोगों की मदद भी करी है, मैं बहुत चैरिटीज भी करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा एक स्माइल स्टोन फाउंडेशन के साथ मैं अभी एसोसिएट हुआ हूँ। किसी को
को किसी के बारे में कितना देर लगती है बोलने की कि तुम कैरेक्टर लेस हो, पर उन लोगों को ये वर्ड यूज करने से पहले ये सोचते नहीं कि वो इंसान ने कितनी मेहनत करी है यहाँ तक पहुंचने के लिए. यू नो, किसी का भी कोई भी राय नहीं मिलता. इनसे मैं पूछा, इनको काम मिला क्या इंडस्ट्री में? इन्होंने जब ये मेरे से मिले थे कि रोहित तुम तो, इन्होंने कहा था तुम तो खाली बुढ़ियाओं के साथ खाली काम करते हो, बिकॉज मेरे सेट ऑफ मॉडल्स होते हैं. ओके, हालांकि मैं इसके साथ शूट भी करने वाला था, मैं सोचा पर मेरे दिमाग से उतर गया. ओके, तो इन्होंने कहा था यू डोंट यूज मी फॉर द शो. हाँ, एक तो आपकी हाइट कम है. ओके, ऊपर से यू नो यू डोंट यू विल नॉट लुक गुड बाय माय क्लोथिंग, बिकॉज मैं थोड़े से कुटोर क्लोथिंग करता हूँ, हैवी कपड़े बनाता हूँ. तो मैंने कहा आप उस क्लोथिंग में आप सूट नहीं करोगे. ओके, सो लाइक ही सेड, ओ फिर हमने कहा पर एनी हेल्प, इन्होंने मेरे को बोला तुम्हारे सीरियल्स में इतने कॉन्टैक्ट्स हैं डायरेक्टर प्रोड्यूसर के, मेरे को मिला दो. ऐसे तो पूरी चैट है, आई थिंक मैंने अपनी पीआर को पूरी चैट उनकी भेजी है. अब वो यूट्यूब में कह रहे हैं बहुत नॉर्मल कॉन्वर्सेशन है, ये है वो है. जब ये एक तरफ ये कह रहे हैं कि मैं पहली बार ये मेरे को मिले तो मैंने उनको उनके प्राइवेट पार्ट पे हाथ बुलाया, तो फिर आप सेकंड वेंड मेरे को क्यों मिले? और ऐसे नहीं, मेरी बहन को लेके गए हैं, ये भूल गए हैं, इनकी कार थी, कार को लेके गए थे हमको आइसक्रीम खिलाने के लिए, मैग्नम आइसक्रीम लोकला बैक रोड पे, ये भूल गए ये बात करना, उनको याद ही नहीं, उनको याद ही नहीं है. इससे मैं आज कोई, मैं ये मेरे लिए कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं है, ये मेरे लिए कोई ये कोई एक मेरे लिए एक ये मुद्दा है कि जो लोग इस मूवमेंट का गलत फायदा नहीं उठाएं. खराब था, गलत किया इसने, तो वो दोबारा क्यों उसको अप्रोच कर रहा था, क्यों? Exactly. और इस चीज के अंदर मैं एक और बात जोड़ना चाहता हूँ कि एक मॉडल को आप देखें, ही इज ऑलवेज फिजिकली वेरी फिट. एक मॉडल यंग लड़का फिजिकली फिट होता है, तो अगर आप कोई भी आदमी उसको छूता है या ऐसा उसको लगता है कि दैट ही इज टचिंग हिम इन एप्रोप्रिएट मैनर, तो वो तो उनको पुश कर सकता है, धक्का दे सकता है, इवन मार सकता है, थप्पड़ मार सकता है. और दोबारा जाने का मतलब नहीं, इवन ही कैन अप्रोच द पुलिस आल्सो. आज आप 4-5 साल के बाद ये चीजें सामने लेके आ रहे हो, व्हाई? और जब से वो यूट्यूब ब्लॉगर बना है, तो आप किसी का नाम लेके भी, किसी भी सेलिब्रिटी का नाम लेके भी, आप कुछ भी बोल के अपना अपनी दुकान चलाएंगे, दैट इज रॉन्ग. एग्जैक्टली, आज मैंने जब इनकी पूरी चैट डाली, आप मेरा फेसबुक जाइए, रोहित के वर्मा इज माय फेसबुक, आप मेरे फेसबुक पे, पूरे हिंदुस्तान ने कमेंट्स नीचे क्या लिखे, पूरे हिंदुस्तान में कमेंट कर रहे. मैंने अपनी एक पिक्चर भी, ड्रैग पिक्चर डाली है, उसमें मैंने एक कोटेशन भी लिखी है. I am not a follower, I am leader. Okay, I don't stand in a queue by saying me too. I say it's you too. तुम लोग ऐसे हो जो हम लोग के कैरेक्टर पे उंगली उठाते हो. तुम ही लोग हम लोगों को बेबी मोआ जांट बेबी, तुमने खाना खाया? मेरी बच्चा तुम्हारा डीपी कितना सुंदर लग रही है आज. ये सब हमसे ऐसे बात करते हैं. हम इनको काम दें, हम इनको पैसे भी दें, हम इन्हें खाना भी खिलाएं, और फिर हम इनकी गाली भी सुने. ये तो कहीं का इंसाफ नहीं हुआ ना, क्योंकि क्योंकि हम क्योंकि आज जो भी लोग हमारी तरह हैं, यू नो, हर लोग देखिए, डिजाइनर्स, बहुत सारे डिजाइनर्स खुल के अपनी सेक्चुअलिटी को लेके बात नहीं करते हैं. मैं इंडस्ट्री में घुसा था, तब भी मैंने अपनी सेक्चुअलिटी को बुलंद तरह से लोगों के सामने रखा. मैंने हर एलजीबीटी कम्युनिटी को सपोर्ट किया है. मैंने हर एलजीबीटी, हर जितनी भी क्वींस हैं बार में डांस करती हैं, आप उनसे बस रोहित का नाम पूछिएगा, सब मेरे को इतना प्यार करते हैं, बिकॉज आई सपोर्ट एवरीबॉडी. हर इंसान को अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने का हक है. मैंने कभी दोहरी जिंदगी नहीं जी दी. इट टुक लॉट फॉर मी टू करेज टू कम आउट एंड स्पीक अबाउट माय सेक्सुअलिटी टू माय पेरेंट्स. लाइक आई डोंट कम फ्रॉम अ वेरी मॉडर्न बैकग्राउंड, आई कम फ्रॉम वेरी ऑर्थोडॉक्स बैकग्राउंड. आज हमारे नेव्यूज हैं, सब फेसबुक में हैं, नीस हैं, सब है, चाचा हैं, बुआ हैं, सब लोग ये चीज देखते हैं. क्या सोचेंगे कि हमारे चाचा ऐसे कैरेक्टरलेस हैं, क्या हमारे चाचा ऐसे करते हैं? यू नो, इट्स नॉट राइट टू एसेसिनेट एनीबॉडीज कैरेक्टर. इट ओनली पुट्स अ पर्सन डाउन. ओके, एंड ये सब बातें करके ये अपना खुद ही अपना चरित्र लोगों को दिखा रहे हैं. पूरी दुनिया जानती है जो भी इन्होंने किया है पब्लिसिटी के लिए किया है, मेरे कैरेक्टर को दिखा. I think so. It's see, I don't know about others, but इन्होंने जो किया वो total publicity stunt है. And secondly, ये कह रहे हैं मेरे को तुम जैसे चीफ डिजाइनर के साथ अपना नाम जोड़ने की जरूरत नहीं था. मेरे को नाम जोड़ना था तो मैं करण जौहर के साथ जोड़ूंगा. ये खुद ही अपने मुंह से बात कर रहे हैं जिन्होंने कल डाला है. एंड प्लस कह लगे कि मैं इनके ऊपर केस करूंगा कि इन्होंने मेरे को मोलेस्ट किया. क्या प्रूफ है तुमको मैंने मोलेस्ट किया? मेरे पास तो प्रूफ है कि तुम मुझसे बेबी मुआ पप्पी वप्पी देके बात कर रहे हो. ये तो भगवान कृष्ण के, मैं इतना बड़ा भक्त हूँ कि उन्होंने मेरे को बताया कि मेरे पास के मैसेजेस थे, तो मेरे को शॉकली निकल गया सारा मैसेज.
आवन एले तब तो मैं कुछ कर नहीं सकता था, एंड जूम ने स्टोरी चला दी, जबकि मैंने जूम को पूरी चैट भेजी थी, हमने कहा डोंट रन द स्टोरी, इट्स फेक, इट्स बैड पब्लिसिटी, बट टुडे इट्स अफेक्टिंग माय वर्क, इट इज अफेक्टिंग माय कैरेक्टर, प्लीज अंडरस्टैंड वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम। आप लोग के घर में भी भाई है, बहने हैं, माँ है, किसी के भाई के साथ भी ऐसा हो सकता है कि अगर आपका बेटा गे है या आपका भाई गे है, उसके ऊपर भी कोई कैरेक्टर पे उंगली उठा सकता है। ये तो अभी मी टू है। अब मैंने तो इनकी जिंदगी में ऐसे ऐसे लड़के देखे हैं जो मेरे पास आके कहते थे या तो इनसे मेरी शादी करा दो नहीं तो मैं आत्महत्या कर रहा हूँ आपकी बिल्डिंग से। मैंने तो ऐसे ऐसे मोमेंट्स फेस किए, अभी बताइए आप। मैंने ये नहीं बोला कि मेरे रिलेशनशिप नहीं रहे हैं, अगर मेरा इनके साथ कुछ भी था, मैं इतना बॉस मेरे दम है कि मैं बोलता हाँ हो गया था, मैं नशे में था, मेरा हो गया, पर मेरे साथ इनके साथ मेरा कुछ ऐसा चीज ही नहीं हुई है जो ये इन्होंने इतना बड़ा उसको मुद्दा बना दिया। एक तरफ आप मेरे को इतने प्यार से मेरे घर आ रहे हो, मैं आपको खाना खिला रहा हूँ, आपको बियर पिला रहा हूँ, और आप जिस खाने पे खा रहे हो उसी पे को आप थूक रहे हो। खाना खिलाना और पानी पिलाना हमारे संस्कृति में कितना बड़ा स्वभाव है, चाहे वो आप इस्लाम में देख लो, चाहे आप वो हिंदुज्म में देख लो। आप मेरे घर में दो रोटी तोड़ के बैठे हो, आप जिस इंसान के घर में खाना खा के गए हो, आप उन इंसान के बारे में के कैरेक्टर के बारे में बोल रहे हो कि क्या मैंने उनके साथ इस तरह किया। तो आप बच्चे तो मेरे पास बार बार आ रहे थे, तो आपका खुद का कैरेक्टर क्या है? क्योंकि मैं अपने सेक्सुअलिटी को लेकर इतना ओपन हूं, तो आप कोई भी मेरे ऊपर कैरेक्टर पे उंगली उठा देगा। आई एम टेलिंग यू आई एम मोर वुमन देन अ वुमन, यू नो आई लाइक गाइस हु आर वेरी डिग्निफाइड, आई लाइक गाइस हु आर वेरी पॉलिश्ड, आई डोंट लाइक वर्नाक्युलर एंड अ चीप पीपल लाइक हिम हु डजंट हु कैन नॉट इवन नो हाउ टू कंडक्ट देमसेल्फ इन सोसाइटी। व्हाट वर्क ही हैज डन आई वांट टू नो, बाय रनिंग दिस चीप यूट्यूब चैनल विद 5000 सब्सक्राइबर्स, ही इज लाइक गिविंग द फिटनेस थिंग, doing cookery show, that what is your claim to fame? He is the one who's making this controversial video against the flips, against Big Boss. इन्होंने Big Boss के against एक video बनाया, जो मैंने video इन्होंने मेरे को forward किया, मैंने कहा, मैंने बोला, baby मत कर, मत पंगे ले, अगर तेरे को Big Boss घुसने, तुम channel तुम्हारे against होएगा। मैंने इनके लिए अच्छी बात बोली, मैंने इनको हमेशा अच्छे से गाइड किया, पर मेरे को क्या पड़ी है कि मैं अपने कुएं में कूदूं और उनको अच्छे समझाऊं, क्योंकि I shared a beautiful relationship with him as a friend. But doesn't mean that, you know, remember, when you point finger on someone's character, four fingers point your own self. Because Bhagwan ke ghar mein der hai, andher nahi hai. Main is case ko ladunga. Main is case ko ladunga aur jeetunga bhi. Aap, kyunki mere paas inke against bahut proofs hain. Bahut, inka naam fake, inka naam Sahil, inka naam kuch aur hai. Mereko sab inki puri details mil chuki. Abhi wo sab... हम नहीं बोल सकते। नहीं नहीं, बोलने की बात नहीं है। अच्छा। वो उसका डिटेलिंग चल रहा है कि इजी साहिल या उसका और कोई नाम है, वो भी जल्दी सामने आ जाएगा। और हमारे को रिक्वेस्ट है मीडिया के साथ, जो मीडिया इस स्टोरी को चला रहा है, इसको एक बायस्ड वे में ना चलाए, एक बैलेंस्ड वे में चलाए, क्योंकि जहाँ पे एक इंसान की रेपुटेशन है, समाज का एक हिस्सा है, और अभी रोहित जी का जो इंटरनेशनल अवार्ड, जो वेयर ही इज रिप्रेजेंटेटिव आवर कंट्री, ये हमारी कंट्री के गौरव है, इज़ अ ट्रेजर फॉर आवर कंट्री। हाँ, गलत जो है वो गलत है, हम गलत का कभी साथ नहीं देंगे, लेकिन मीडिया से ये रिक्वेस्ट है कि इसका जो आउटकम है वो सच्चाई हो, उसका आउटकम ये नहीं हो कि ये टीआरपी हो। तो यू हमारा रिक्वेस्ट है, यस, बाकी कोर्ट को अपना काम करने दीजिए, जुडिशरी को अपना काम करने दीजिए, जो वहाँ से कोर्ट का डायरेक्शन है वो हमारे सर आँखों पर रहेगा, वी विल एक्सेप्ट दैट डिसीजन ऑफ द कोर्ट। बस यही है कि अगर मीडिया भी अपना काम कर रही है तो वो भी एक बैलेंस तरीके से करे, ये हम मीडिया से एक्सपेक्टेशन है। मीडिया हमेशा से अच्छा ही काम करती है, शायद इस स्टोरी के ऊपर भी हमारी ये एक्सपेक्टेशन है कि मीडिया बहुत अच्छा काम करे। रोहित जी, आप उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो इस तरह के फॉल्स एलिगेशंस जो लगा रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? पता है, आप पे तो बीती रही है, बाकी लोगों के लिए? मैं आपको बहुत बोला, जब ये स्टोरी आई थी तो मेरे को बहुत से लोगों ने बोला था कि रोहित चुप हो जाओ, चार दिन लोग पढ़ेंगे। एक बहुत बड़े डिजाइनर का फोन आया था, उन्होंने कहा रोहित चार दिन पढ़ेंगे लोग भूल जाएंगे। मैं चुपचाप मैंने सह लिया था, क्योंकि क्या होता है कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत सहा है, लाइफ में इट इज़ वेरी इजी फॉर अ वुमन एंड अ मैन टू सर्वाइव इन टुडेज वर्ल्ड, वेरी डिफिकल्ट फॉर अ पर्सन लाइक अस, पर्सन हु इज दिस काइंड ऑफ सेक्सुअलिटी। हम रास्ते में जाते हैं, कोई हमको छक्का बोल देता है, मामू बोल देता है, गुड़ बोलता है, हम समाज के बनाए हुए एक, हम लोग एक लाफिंग स्टॉक है, हम लोग को एक खिलौना समझा जाता है। मैंने हर जिल्लतों को अच्छी तरह से एक्सेप्ट किया है लाइफ में, बहुत अच्छे से मैंने एक्सेप्ट किया है। आई थिंक कमेंट्स एंड मी आर वेरी बेस्ट फ्रेंड्स नाउ, मैंने उसके साथ दोस्ती कर ली है। ओके, मैं लोगों के बारे में तो नहीं जानता कि लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में, कि जो लोग के ऊपर इस तरह का मोमेंट चल रहा है,
मेरे को बहुत से लोगों ने कहा रोहित चुप हो जाओ मत चलो लोग तो उनके अनदरली, अगर ये स्टोरी दिल्ली टाइम्स और बॉम्बे टाइम्स में नहीं आई होती तो जब ये इतना पेपरों में छप गया तो मैंने कहा इट्स हाई टाइम दैट आई हैव टू स्पीक अबाउट इट। कल तक मेरे को कह रहे थे छोड़ दो जाने दो यू नो, मेरे को आज भैया जब आज भैया सब बना रहे थे आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन, जब भैया पूरा ड्राफ्ट कर रहे थे तो भैया ने ऐसे स्वीट में लिखा तो मैंने कहा भैया छोड़ो ना पैसे कम कर दो, मैं यहाँ पे पैसे के लिए नहीं लड़ाई कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे पैसे के लिए एकदम लड़ाई नहीं कर रहा हूँ, आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन आई जस्ट वॉन्ट कि वो सच बोले, आई वॉन्ट जस्ट वॉन्ट अपोलॉजी फ्रॉम हिम यू नो दैट वॉट एवर ही डिड फॉर पब्लिसिटी इट्स नॉट राइट। एंड साहिल अगर तुम ये पूरा चैनल देख रहे हो इट्स नॉट राइट बिकॉज यू ऑल यू नो आई एम अ वेरी बिग भक्त ऑफ लॉर्ड कृष्णा, एवरीबडी हैज टू फेस गॉड वन डे एंड यू विल ऑल्सो फेस। ये जिंदगी क्या है, हम 20-25 साल और जिंदा रह जाएंगे, हम इतने खूबसूरत हमेशा नहीं लगेंगे, ये बॉडी तुम्हारी जो है ये एक ये सब हम लोग को मिट्टी हो जाना है, हम सिर्फ अपने कर्म और अपने संस्कार और अपनी अच्छी डीड लेके ऊपर जाएंगे। आई फॉर्मली बिलीव इन कर्मा। ये लड़का मुझसे आज भी सॉरी बोलेगा आके मैं उसको गले लगा के माफ कर दूंगा, ये पार दूंगा, पर हियर आई एम फाइटिंग फॉर द जस्टिस फॉर आई हैव स्टार्टेड दिस मूवमेंट कॉल्ड यूट्यूब मूवमेंट यू नो, बिकॉज आज मैं हूं कल शायद आपका बच्चा भी हो सकता है। तो मैं हर उस माँ से गुजारिश करूंगा, हर उस बहन से गुजारिश करूंगा कि सपोर्ट योर चाइल्ड, बिकॉज आज मेरे दोस्त और मेरी फैमिली मेरे साथ खड़ी हुई तो मैं इसको लड़ सक रहा हूँ। बहुत से लोग हैं अपना खून का घूट पी के बैठ के इस चीज़ को भूल जाते हैं। बहुत से लोगों के साथ ऐसे होता है बच्चा बाहर गया स्कूल में उसके साथ गलत हो गया यू नो, कभी टीचर्स गलत कर देते हैं, कभी खेतों में गलत हो जाता है बच्चों का, मैंने बहुत सारी ऐसे हॉरर स्टोरीज सुनी है, वो सप्रेस कर जाते हैं यू नो। एंड ही इज सेइंग दैट मैंने इनके प्राइवेट पार्ट में हाथ लगाया ओके जब मैं इनके प्राइवेट पार्ट में पहली बार हाथ लगा रहा था इनको इनको क्या इनको बहुत मजा आया था लगाने के बाद कि दोबारा मेरे यहाँ मुंह काला कराने फिर आ गए, फिर इनसे मैं ये सवाल पूछूंगा। और एक बार नहीं ये चार बार मेरे से मिल चुका है, चार बार सिकंदर नवाज को अभी आप फोन लगाइए और पूछिए उसको रोहित वर्मा के शो में उसको किसने डाला था, रोहित सिकंदर नवाज के शो में उसको किसने डाला था। आई रिकमेंडेड हिम, मैं कहा चलो लड़का अच्छा है, इसका सेंस ऑफ ह्यूमर थोड़ा अच्छा है यू नो, बड़ा मजाक मस्ती कर लेता था। तो यू नो यूजली जो हरियाणा के लड़के होते हैं वो दिल के बड़े अच्छे होते हैं, मेरे ये लोग को बात करना नहीं आता पर ये लोग बहुत प्यार से करते हैं यू नो, बहुत प्यार दिखाते हैं, बहुत प्यार से क्या कहते हैं कि चीज़ों को हैंडल करते हैं। तो आई लाइक दिस कंपनी एंड दैट्स द रीजन आई वाज इन टच विद हिम। मतलब 3,000-4,000 लड़के थे और लड़कों की कमी नहीं, घर के बाहर 10,000 लड़कों की लाइन लगी रहती है, सबको काम चाहिए इंडस्ट्री में, सब लोग हम सामने से हम लोगों को ऑफर करते हैं, सब बदतमीजी करते हैं, कोई यहाँ पे रेप नहीं होता है, यहाँ पे कोई भी किसी का रेप नहीं कर सकता है, जो होता है म्यूचुअल कंसर्न से होता है। प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, नोबडी इज सेंट ओवर, कोई भी यहाँ पे दूध का दूल्हा नहीं है, काम के लिए करते हैं सब काम यू नो, सबका कुछ ना कुछ मोटो रहता है, सबका सुबह उठो बेबी कितनी प्यारी लग रही हो, खाना खाया डार्लिंग, गुड आफ्टरनून बेबी, गुड इवनिंग बेबी, व्हाट यू आर डूइंग, लेट्स मीट फॉर अ कॉफी। हम तो नहीं इस तरह के मैसेजेस करते किसी को। एनीवेज आई एम डन विद दिस, आई थिंक नाउ अब मैं भारत के ऊपर छोड़ देता हूँ, वो लोग जो डिसाइड करेंगे, मैंने तो केस फाइल कर दिया है एंड आई विल फाइट टिल द एंड। देखिए बहुत बुरा लगता है आज, जैसे कि मैं बहुत टूट सा गया हूँ बिकॉज ये मेरा अच्छा दोस्त था यू नो, मैं थोड़ा सा टूट सा गया हूँ एंड आई एम रियली वेरी हर्ट एंड अब जो होगा द वॉर इज बिटवीन मी हिम एंड कोर्ट एंड लॉर्ड कृष्णा, मैं सब भगवान के ऊपर मैंने छोड़ दिया है, लेट्स सी वॉट एवर गॉड विल डिसाइड आई विल फाइट टिल द एंड। एंड यस मैंने इनके सारे व्हाट्सएप चैट्स एंड एवरीथिंग डेट वाइज मैंने सब डाल दिया है और कुछ चीज़ें मेरे पास इनकी और भी हैं जो मैं कोर्ट के सामने प्रेजेंट करूँगा। पूरी सच्चाई की लड़ाई लड़ी जा रही है। It's just like that I don't have to say much because I'm already dealing with lot of issues right now. It's just like मैं दुनिया को बताऊं कि मैं कमजोर नहीं हूं और मैं इसका लड़ाई करूंगा। आज मैं बहुत जब मैंने फेसबुक पे इनकी पूरी स्टोरी डाली थी, जब लोगों ने मेरे को कमेंट्स करने शुरू किए, मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आज भी लोग बहुत प्यार करते हैं मेरे को, दे नो दैट आई एम ऑनेस्ट
एंड आई विल ऑलवेज फाइट, एंड जो लोग मेरे को पहचानते हैं, जो लोग मेरे को जानते हैं कि मेरा कैरेक्टर क्या है, वो मेरे दोस्त हैं जो आज मेरे साथ खड़े हुए हैं. और ये थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर कमेंट्स, ऑल योर ब्यूटिफुल मैसेजेस विच यू हैव सेंड मी. आई रियली अप्रिशिएट इट. आई रियली कांट थैंक यू ऑल इनफ फॉर स्टैंडिंग एट दिस पॉइंट विद मी एंड अप्रिशिएटिंग माई वर्क एंड अप्रिशिएटिंग दैट आई हैव गॉट करेज टू कम आउट ऑफ दिस एंड स्पीकिंग अबाउट द रियलिटी. एंड आई वुड अप्रिशिएट दैट प्लीज सपोर्ट द राइट पर्सन, प्लीज सपोर्ट द ट्रुथ. यू नो I need your support right now. I've started this YouTube movement. Please support me and please keep on commenting. And please, 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 you know, favor the reality of life. That's all. वही रोहित जी बोल रहे थे कि emotional हो गए थे थोड़ा सा when we asked him कि how much should be the amount. हमने इनको बोला था कि it should be more than 1 crore, touching 5 crore. बोले नहीं, मेरे को उनसे सच बुलवाना है, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे सच्चाई चाहिए. फाइनली हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम 25 lakh उनका डैमेजेस क्लेम करेंगे इन आवर डिफेमेशन. थैंक यू, थैंक यू सो मच. वेट सर भैया आप आ जाइए सर, यहाँ पे एक यहाँ पे देखिए, यहाँ पे. हेलो, हाँ हेलो, फैमिली का भी होना जरूरी है. कौन से ऐसा सुनिए, लुक यू, ठीक है मैं डालती हूँ लुक यू ठीक है, मैं डालती हूँ. हाँ दीदी आपको मेरे व्हाट्सएप मैसेज मिल गए हैं ना सारे, जो उसने मेरे को किए थे सब है ना, सब है ना मेरे फेसबुक पे आप चाहिए तब टैग.